काश तैबा में अपना घर होता, काश तैबा में अपना घर होता, काश लकब है और जो बेकस नवाज है, हमको तो बस उसी की गुलामी पे नाज है। और क्यों ना नाज हो, वो नबी जिसका कोई हमसर नहीं, वो नबी जिसका कोई हमपल्ला नहीं, वो नबी जिसकी वजह से कायनात बनाई गई, जिसकी वजह से दुनिया की हर चीज को सजाया और बसाया गया, हत्ता के हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद भी आकाए नामदार की आमद की वजह से हुआ। अगर हुजूर का आना मकसद न होता, रब्बे कायनात इस दुनिया को न सजाता। इसलिए एक शेर दो शेर पढ़ूंगा, उसके बाद आपके सामने आप ही के इलाके के खूबसूरत और मायनाज आलिम दीन आलिम नौजवान फाजिल नौजवान जनाब हजरत मौलाना और मुफ्ती सलमान साहिब की तरफ पढ़ना चाहूंगा। आप हजरत को ये एहसास दिलाते हुए कि अगर हमारे और आपके आका इस दुनिया के अंदर, खास तौर से तवज्जो चाहूंगा, यह अशआर हमारे और आपके अकीदे की तर्जमानी करते हैं। अगर दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के प्यारे नबी ना आते, रब्बे कायनात दुनिया को न सजाता। इसीलिए कहना चाहूंगा कि झोली में अगर आपकी खैरात न होती, झोली में अगर आपकी खैरात न होती, इस देहर में अपनी कोई औकात न होती। जिनको लगता है कोई औकात होती वो बोल नहीं रहे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के अलावा अगर हम किसी का तसव्वुर करें तो हमारी क्या हैसियत है। झोली में अगर आपकी खैरात ना होती, इस दहर में अपनी कोई औकात ना होती। और ये सब तो है सरकार दो आलम का तसद्दुक, स्टेज वालों की खास तौर से तवज्जो, ये सब तो है सरकार दो आलम का वसीला, ये सब तो है सरकार दो आलम का तसद्दुक। वो जात ना होती तो कोई जात ना होती, वो जात ना होती तो कोई जात ना होती। आइए इन्हीं अशआर के साये में निहायत ही अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो तशरीफ लाएं। और चूंकि वक्त मुतय्यन है, अगर वक्त की तायीन न की जाए तो प्रोग्राम काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हजरत मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि कमेटी की जानिब से 20 मिनट का टाइम मुतय्यन है, अपनी बात को खूबसूरत अंदाज में आकाए नामदार की सीरत के नहज पर पेश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के ये महबूब बंदे, अल्लाह तबारक व तआला के दीवाने जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपसे कुछ सीख कर जाएं और शायद आपकी कोई बात इनके दिल में इनके सीने में उतर जाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी को बदल दे और आप उस अजर व सवाब के मुस्तहिक बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम तर लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिलहु फला हादियला व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم معزز علماء کرام صدر محترم معزز قراء اعظام اور شہر کے معزز ذمہ داران अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान और फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अजीम
इजलास में जमा फरमाया है। अल्लाह के इस फजल पर, इस इनाम पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सब्र और शुक्र के बाद सबसे पहले हम सब की तरफ से बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस इजलास की ऑर्गेनाइजर कमेटी और इस शहर के वो मुअज्जज फ़ाल नौजवान, वो खुशकिस्मत नौजवान साथी जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया और हम सब के लिए एक ऐसा मजमा बनाया कि हम इस मजमे में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ बातें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हिदायत, कुछ रहनुमाइयां और आपकी ज़िंदगी से हम कुछ चीज़ें सीख कर अपने आप को बदलें और उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें इस बात पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे फ़ाल नौजवान अता किए। आज का जो हमारा मकसद है वो मकसद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझना और आपके जो अहकामात हैं, आपने जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हमें बताए हैं और आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए हैं और आपने अपने उम्मतियों को जो कहने को कहा है, जो करने को बोला है और जिस तरीके से करके दिखाया है, उन तमाम चीज़ों को सुनकर, उनको समझकर फिर हम अपनी ज़िंदगियों में उसको लाने की कोशिश करें। जैसा कि ये बैनर है, आप हजरात को इसी उनवान के तहत बुलाया गया है कि जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा है, जिसमें अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर हर गोशे पर बात की जाएगी। मुख्तलिफ मौजूआत पर, मुख्तलिफ अनामीन पर सीरत नबवी को अलग अलग तरीके से बयान किया जाएगा। इब्तिदा में जो हमारे मुअज्जज़ नाज़िम साहब हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मुत्तफ़का फैसले हो सकते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में, कुरान पाक में जिक्र किया है, उसके जरिए अपनी निज़ामत की इफ्तिताह किया है। शायर आए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात की, उसके बाद तो शायर आए, उन्होंने भी वही बात की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने अगर हम और आपकी तालीमात को हम अपनी ज़िंदगियों में ले आए तो हमारी ये दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कामिल बनाकर इस दुनिया में भेजा है, इसीलिए यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वे हसना करार दिया। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये उस्वे हसना किसके लिए है? लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह को चाहते हैं और आखिरत के दिन पर जिनका ईमान है, जो आखिरत के दिन अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं, जो जन्नत के तलबगार हैं, अल्लाह की दीदार के तलबगार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पर बैठकर प्याला पीना चाहते हैं, हौज़े कौसर से पानी पीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, इसीलिए अल्लाह के नबी को उस्वे हसना और कामिला करार दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ताला ने किसी भी तरीके से मख्फी नहीं रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर हर पहलू रोजे रोशन की तरह आया है, सूरज की तरह जाहिर और बाहिर है,
आपकी जिंदगी के तमाम पहलू बिल्कुल खुले हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी आशिक जमात अता की जिन्होंने आपकी जिंदगी के हर हर लम्हे को मजबूती के साथ पकड़ा, हर हर लम्हे की हिफाजत की, जुबान से निकली हुई हर लफ्ज की हिफाजत की, आपके हाथों से आपके बदन से की हुई हर अदा की हिफाजत की, आपके जरिए किया गया हर अमल महफूज किया और हम तक पहुंचाया। ऐसी बेहतरीन जमात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तालीमात को पूरी दुनिया में आम किया, आपका तारुफ पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर कराया, किसी किस्म की कोताही नहीं बरती। आपकी जो तालीमात थी किताबों की शक्ल में, शेरो शायरी की शक्ल में, अकवाल की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में नकल की और हम तक पहुंचाया, ये तमाम वो चीजें हैं जो हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं और ये बताती हैं कि एक सच्चा और पक्का मुसलमान अगर वो इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मजबूती के साथ थामना, मजबूती के साथ पकड़ना जरूरी है। चुनाचे आज का जो हमारा ये अजीमुशान इजलास है, ये हमें दावत दे रहा है, ये हमें समझा रहा है, ये हमें बतला रहा है कि हमारा इज्तिमा सिर्फ एक आंखों की अय्याशी, आंखों के मजे लेने और सिर्फ थोड़ी सी कुर्बानी के लिए नहीं है। अपने घरों से उठे, बाजार आ गए, इजलास के हमने चार दीवारियों को देख लिया, इसकी लाइटों को, इसके पिंडाल को, इसके उलमा को, इसमें चलने वाली आवाजों को हमने सुन लिया और हमने नबी का हक अदा कर दिया। अगर हमने ये तसव्वुर अपने जहन में ला लिया है तो ये खाम ख्याली है और इससे ना दुनिया भी कोई फायदा है ना उखरवी कोई फायदा है। सिर्फ इजलास कर लेने, इजलास में शरीक हो जाने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारे लगा देने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा होने वाला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर हम हक अदा करना चाहते हैं तो हमें आपकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में लाना होगा। आपने जो कुर्बानियां दी हैं, आपके सहाबा ने जो तालीमात हम तक पहुंचाई है उसको हमें अपनी जिंदगियों में लाना होगा। और हम जब जब ये इरादा कर लेंगे कि अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी के मुताबिक गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब कर देंगे और आखिरत भी कामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह। गर्ज़ ये खुलासा ये है कि हम अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, कुरान अहकाम के मुताबिक गुजारने के पाबंद बने। चुनाचे अपने खुतबे में मैंने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के लिए तीन अहम पैगामात दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारी मजलिसें हैं, तुम्हारी महफिलें हैं, तुम्हारे इजलास हैं, तुम्हारे इज्तिमे हैं, तुम्हारे कॉन्फ्रेंस हैं, तुम्हारे प्रोग्राम हैं, इन चीजों में खैर नहीं है, भलाई नहीं है। भलाई किन चीजों में है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से
अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो मोमिन जो अपनी अल्लाह पर ईमान लाता हो और अपनी जिंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजारता हो उसके लिए ये जरूरी है और लाजिम है कि उसकी जो महफिलें हो उसके जो उठने और बैठने हो उन चीजों में ये तीन चीजें शामिल होनी चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है, हम नौजवानों का हाल ये है कि जब हम दो लोग बैठते हैं कुछ बात करते हैं तो हम हमारी जो महव गुफ्तगू जो चीज होती है, बात करने का जो उनवान होता है, जो मौजू होता है, अगर हम गौर करें तो इस आयत की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी महफिलें हों तो हमारी महफिलें सदके के ताल्लुक से बात करने से मुताल्लिक होना चाहिए। हमारी महफिलों में भलाई के कामों की गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर हम अपने घरों में खुशी के साथ बगैर किसी तकलीफ के दो रोटी खा रहे हैं, हमारे पेट भर रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आखिर हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे कस्बे में कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये दो लुक्मे नसीब नहीं है। अगर हम इस तरीके के इंसान बनते हैं कि हमारी महफिलों में दूसरों की भलाई की गुफ्तगू होती है, दूसरों के खैर के ताल्लुक से बातें होती हैं, दूसरों की मदद से मुताल्लिक बातें होती हैं, परेशान हाल लोगों से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है, हम दो चार दोस्त मिलकर ये सोचते हैं कि भाई आज हमारे मोहल्ले में कौन शख्स परेशान है, कौन शख्स बीमार है, हम उसकी इयादत करने के लिए चलते हैं, अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी के ताल्लुक से दरियाफ्त करने के लिए हम लोग चलते हैं और उसके परेशानी के हल की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स दूसरे लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगियों से परेशानियों को खत्म कर देते हैं। वल्लाहु फी औन العبد ما كان العبد في عون اخيه, अल्लाह ताला इंसानों के बंदों की मदद में रहते हैं जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। आज हमारी महफिलें दूसरों की बुराइयों में लगी रहती हैं, हमारी महफिलों में दूसरों की बुराइयां होती हैं, इनकी कमियां बयान की जाती हैं, उनकी कमियां बयान की जाती हैं, मस्जिद के इमाम की बुराइयां हो रही हैं, मस्जिद के मुअज्जिन की बुराइयां हो रही हैं, इमाम साहब दो मिनट देर से आ गए तो चेमी गोइयां हो रही हैं, इमाम साहब ने नमाज छोटी कर दी तो बुराइयां हो रही, नमाज लंबी कर दी तो बुराइयां हो रही, गर्ज ये कि वो क्या करें आखिर, वो कुछ भी करें बुराइयां हो रही हैं। एक शख्स परेशान है तो हम उसके लिए दुआ करने के बजाय उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ वो ऐसा शख्स था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि हमारी महफिलों के जो मौजू और अनावीन होने चाहिए वो दूसरों की बुराई के बजाय हम दूसरों की भलाई के ताल्लुक से बात करें। दूसरा उनवान अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इल्ला मन अमर बिसदकतिन औ मारूफिन, कि हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो भलाई के कामों के ताल्लुक से होना चाहिए, नेक कामों के ताल्लुक से होना चाहिए। हम ऐसे कामों के बारे में गुफ्तगू करें जो काम जिस काम से लोगों का फायदा हो, जिस काम के ताल्लुक से हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान भाई हैं, उनके इस्लाह के ताल्लुक से हम सोचें। अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी अच्छे काम की तौफीक दी है तो उस काम को हम किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं, इसकी हमें कोशिश होनी चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतामुरन्ना बिलमारूफ, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम लोगों को अच्छे कामों का हुक्म करो और लोगों को बुराइयों से रोको
और अगर तुमने ऐसा काम किया कि तुम लोगों को अच्छे कामों का हुक्म नहीं करते और लोगों को बुराइयों से नहीं रोकते, तो हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ लयशकन्नल्लाहु अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन्हु, अगर ये दो काम तुम नहीं करते हो तो करीब है वो वक्त कि अल्लाह ताला तुम पर उसकी वजह से अज़ाब नाज़िल फरमा दे। आज हम में से बहुत सारे साथी, हमारे मुआशरे में रहने वाले लोग इस तसव्वुर में हम और आप रहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज की तौफीक दी है तो काफी है और ये मेरी कामयाबी के लिए बहुत है, मुझे दूसरों की फिक्र करने की क्या जरूरत है। हम और आप देखते हैं अल्लाह ताला ने हमें नमाज की तौफीक दी तो हम नमाज के लिए मस्जिद जा रहे होते हैं। हमारे पड़ोसी जो दुकानदार है, हमारा पड़ोसी जो घर का रहने वाला है, हमारे साथ जो महफिल में बैठा हुआ शख्स है, हम उससे ये कह देते हैं कि आप दो मिनट बैठो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। हम ये नहीं कहते कि भाई चलो नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, भाई चलो नमाज पढ़ते हैं, दुकान थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। अगर ये जज्बा हमारे अंदर आ जाए तो ये असल अमर बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि आयशा, अगर इस दुनिया में अजाब आएगा तो उसमें अच्छे लोग भी मारे जाएंगे और बुरे लोग भी मारे जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इंतहाई चालाक ज़हीन व फतीन औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बात पर यकीन रखती हूँ, ईमान रखती हूँ, आप सच्चे हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। बुरे लोगों को उनके अमाल की वजह से सजा दी जाएगी, उनकी बुराइयों की वजह से उन्हें सजा दी जाएगी, अजाब दिया जाएगा, अच्छों का क्या कसूर? वो तो नमाजी थे, जमात में जाया करते थे, 40 दिन चिल्ले लगाया करते थे, मदरसे में पढ़ाया करते थे, मस्जिद में इमामत करते थे, मुअज्जिन थे, खतीब थे, गर्ज ये के सारे अच्छे काम करते थे, उन लोगों को क्यों तकलीफ, उन लोगों को क्यों अजाब दिया जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा बुरों को उनकी बुराई की वजह से सजा दी जाएगी और अच्छों को इसलिए सजा दी जाएगी कि वो बुरों को बुरे काम से नहीं रोका करते थे। आज हम अपनी जिंदगियों में बस हमने कुछ काम अच्छे कर लिए, उस पर हम इत्तेफा कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आखिर हमारा जो भाई है हम उसे भी दीन के ऊपर लाएं, उसे भी नमाज के लिए तैयार करें। जैसा कि नाज़िम साहब ने बताया था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको देना चाहते हैं और जो सबक अल्लाह ताला ने हमें दिया है, मैं उसको उस बात को बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन अमरा बिसदकतिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास, वो शख्स जो दो ऐसे लोगों के दरमियान जिनके दरमियान झगड़ा हो गया है उनके दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करता है तो उस शख्स की मजलिस भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल की जाती है। और अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारी महफिलें ऐसी होनी चाहिए, हमारी मजलिसें ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हम दो ऐसे लोगों के बारे में बात करें जिन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत जानी दुश्मन है, उनके ऐसे मामलात हैं कि वो उनका मामला बिल्कुल आमने सामने होता है लेकिन वो आपस में मुसलमान हैं। अगर हम उनके दरमियान सुलह सफाई की कोशिश करते हैं तो हमारी ये कोशिशें अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, इन्नमल मुमिनून इख्वा, ये जो मोमिनीन हैं, ये जो अल्लाह को ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह पर जो अल्लाह के नबी को अल्लाह का नबी मानते हैं,
जो किताबुल्लाह पर जिनका ईमान है कयामत के दिन पर उठाए जाने पते नहीं होती, सिर्फ ये अल्लाह को अल्लाह मानता है, नबी को अल्लाह का रसूल मानता है, इसलिए इसको सजा दी जाए, इसलिए इसको पीछा किया जाए, इसलिए इसको बैकग्राउंड में रखा जाए, ये कोशिशें हैं। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून इखवा फअस्लिहु बैन अखवैकुम, ये जो तुम्हारे भाई हैं आपस में, इनके दरमियान कभी अनबन हो जाए, कभी बातचीत हो जाए, कभी कोई मामला हो जाए, तो इसको सुलह करने की कोशिश करो। आज हमारा मुआशरा, दो भाई तो मुसलमान लड़ रहे हो तो हम खुश होते हैं और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये लड़ाई कर रहे हैं, इनकी लड़ाई होनी चाहिए। और हम लड़ाई होने के साथ साथ जब भी मौका मिलता है तो हम उसमें आग में तेल डालने का काम भी करते हैं, चिंगारी लगाने का काम भी करते हैं कि हाँ फुलां ने आपको ऐसा भी कहा था, आप सिर्फ उसको ये कह रहे थे, फुलां तो आपको ये कह रहा था, उसके ऐसे ऐसे बातें हैं, फुलां आपसे ये बुराई कर रहा था। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला इस कदर इस मामले को लेकर हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम आपस में भाई भाई हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है झूठ बोलना। लेकिन आपको हैरत होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दो मुसलमान भाइयों को मिलाने के लिए, उनके दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ का सहारा लेता है और मजबूरी में झूठ भी बोलता है, तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त नहीं करेगा। इतना गुनाह कबीरा होने के बजाय बावजूद अल्लाह ताला दरगुजर का मामला करेंगे, इसलिए कि वो दो मुस्लिम भाइयों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा के मजमे में ये फरमाया कि अला अदुल्लुकुम अला खैरिन अफजलु मिन अस्सलाति वस्सियामि वल्क़ियाम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी भलाई और नेकी के बारे में ना बतलाऊं जो नमाज रोजे और तहज्जुद की नमाजों पढ़ने से बेहतर है। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह बिल्कुल बतलाइए, क्यों नहीं, बला या रसूलल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाह फीमा बैन अन्नास, लोगों के दरमियान आपस में सुलह कराना, लोगों को जो दो लोगों के दरमियान रिश्ते बिगड़ गए हैं उनके दरमियान सुलह सफाई कराना, ये नमाज रोजे और तमाम जो नेकियां हैं उनसे भी अफजल करार दिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं, आपकी सीरत को जब हम पढ़ते हैं, आपकी जो बताई हुई अहादीस है उनका जब हम जायजा लेते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बाज मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चलता था कि फुला कबीले और फुला कबीले के दरमियान जंग हो गई है, उनके दरमियान झगड़ा हो गया है, लड़ाई और फसाद हो गया है, फुला खानदान में झगड़ा हो गया है, फुला घराने में, फुला मियां बीवी का आपस में झगड़ा हो गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ कर जाते और उनको सुलह सफाई में बाज मर्तबा इतनी देर हो जाती कि सहाबा मस्जिद में इंतजार करते करते सहाबा को ये फैसला करना पड़ता कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ाते जाकर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आकर नमाज में मिल जाते। इतनी अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमात में देरी हो रही है, सहाबा इंतजार कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में जाकर सुलह कर रहे हैं। अगर ये चीज अहमियत के हामिल नहीं होती, अगर इस चीज की कोई अहमियत नहीं होती, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अहमियत देते? लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम और आप भी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, आपके उम्मती हैं, आपके नाम पर हम अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाले हैं,
और आपके शान में कोई बदकिस्मत अगर थोड़ी सी गुस्ताखी कर दे तो हम उसके लिए अपने पूरे खानदान को, अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरी जायदाद को, अपने पूरे माल को खत्म कर देने वाले और कुर्बान कर देने वाले लोग हैं। क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहनुमाई और इस हिदायत पर अमल नहीं कर सकते? आज हालात ऐसे हैं कि हम लोगों में सुलह कराने के बजाय हम लोगों के दरमियान फितना फैलाने, उनके दरमियान हम बातों को उछालने और उस मामले को छोटा करने के बजाय, खत्म करने के बजाय हम उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। आखिर में बस एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जो मजलिसें हैं और हमारी जो महफिलें हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें होनी चाहिए, अमर बिल मारूफ के मशवरे होने चाहिए, लोगों की फलाह के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए जो काम हो सकते हैं हमें वो करने चाहिए। और अगर कभी आपस में अनबन हो जाए, आपसी मामलात में कभी खटपट हो जाए तो हमें उसे सुलह सफाई के जरिए उस मामले को रफा दफा करने की जरूरत है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गौर से पढ़ें, गौर से सुने, अमल करने के जज्बे से सुने, अल्लाह की अहकामात को, अल्लाह ने जो तरीका बताया है उसको हम अपनी जिंदगियों में लाएं, तो आज हमारा हाल जो है इंशाअल्लाह कल हमारा हाल तब्दील होगा और हमारे हाल इंशाअल्लाह दूसरे के सही होंगे और हमारी ये दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह।